पति ने पत्नी को आशिक के साथ रंगलनिया मनाते हुए पकड़ा। गोवर्धन के मथुरा रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में पति ने अपनी ही पत्नी को आशिक के साथ रंगलनिया मनाते हुए पकड़ा। मामला सामने आया है गोवर्धन से, जिसकी सूचना महिला के पति ने पुलिस को दी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आशिक समेत पत्नी और पति को थाने ले गई, जहां पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरवतल बात यह है कि मथुरा के थाना गोविंदनगर की रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ विगत कई वर्षों से आपसी विवाद की वजह से अपने मायके धौली ब्याह में रह रही थी, जिसका मुख्य कारण पारिवारिक कलह बताई जा रही है। सुबह पति किसी काम से कचहरी जा रहा था तो महिला को उसके द्वारा मथुरा बस स्टैंड पर खड़ा देखा, जिसको देखकर वह सकते में आ गया। महिला किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन महिला अपने पति को नहीं देख पाई और आशिक के साथ मारुति सिजाए गाड़ी में बैठकर गोवर्धन एक निजी गेस्ट हाउस में आ गई, जिसका पीछा करते करते पति भी वहां पहुंच गया और पति ने महिला को अपने आशिक के साथ रंगलनिया मनाते हुए गेस्ट हाउस के कमरे में रंगों हाथों पकड़ लिया। जब इस मामले की जानकारी दी गई तो पति ने बताया कि वह महिला काफी दिनों से उसको परेशान कर रही है और उसके द्वारा उसके ऊपर कई झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, जिसको आज मेरे द्वारा महिला और उसके आशिक को पुलिस को गिरफ्तार कराया गया है। महिला का आशिक थाना हाईवे के पालीखेड़ा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम विष्णु ठाकुर बताया गया है, जो एक दबंग किस्म का आदमी है। इसी के द्वारा मेरी घरवाली को भड़काया जा रहा है और जिससे मेरी घरवाली मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा, जो व्यक्ति इनके साथ में पकड़े वो कौन है? पालीखेड़ा के हैं। अच्छा, हाँ। इनका इनसे क्या इनका इनका अभी संबंध है दोनों का, इनको मैंने रंगे हाथ हाथ पकड़ा है। क्या आपका कोई विवाद न्यायालय में चला है? जी, न्यायालय में मेरे को उसमें छह केस डाल लगे मेरे ऊपर, इसमें मेरे ऊपर छह केस न्यायालय में डाल लगे, झूठे आरोप डाल लगे सबरे टोटल, और मुझको फंसा रखा है, मुझको मारने तक के लिए जो विष्णु ठाकुर जी उसको मारने तक की कहता है। मुझे मालूम है ये कौन है क्या है, जो बदमाश है बहुत बड़ा, जो बदमाश है बहुत बड़ा, और जो मेरी पत्नी है। ठीक,